शौर्य परियो पाल परी कुछ कीजिए ना। लेकिन डूबा डूबा जहरालु जीव के विष को हमारी शक्ति दूर नहीं कर सकती। क्या तू क्या बर्तन ऐसे ही रहेंगे? शौर्य प्लीज कोई रास्ता बताइए। शौर्य शौर्य बालवीर को अब ठीक करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। नहीं बालपरी, हम उस उपाय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को आजाद नहीं कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? विवान, उस शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? तिम्नासा को लगता है कि पिचकू को 100 साल पहले भस्म किया जा चुका है। अगर पिचकू उसके हाथों में आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, मैं बालवीर को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। शौर्य, इरलोक का कोई भी वासी मैया को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ शौर्य, हाँ, और हम बालवीर का विष दूर करने के लिए पिचकू के प्रयोग का समर्थन करते हैं। हाँ शौर्य, आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, बालवीर के लिए हमें यह जोखिम उठाना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ, और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना। चलो गाइस, घर चलते हैं। कितना डरता है। ऐसे कैसे जाएं हम यहाँ से? अगर आप यहाँ पे कैसीनो बनाएंगे तो यहाँ के बच्चे कहाँ पे खेलेंगे? इसका आंसर आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चीज से नियंत्रित करना होगा। ये तो कोई भी रूप बदल सकता है। अब शांत हो जाओ तुम। पिचकू, बालवीर के अंदर फैलते हुए जहर को बाहर खींच लाओ। जाओ।
अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत खूब, आखिरकार शौर्य को मेरी चाल के आगे झुकना ही पड़ा। ये क्या है? ये क्या चाल थी भैरानी? आपने 30 फीट का जहरालू और आज का पूरा दिन इस पिचकू के पीछे खर्च कर दिया है। कहीं आपके दिमाग में वायरस तो नहीं घुस गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो शायद तुमने देखा नहीं तौबा तौबा कि पिचकू ने कितनी आसानी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बालवीर के शरीर से सारा विष निकाल दिया। So, कोई तिमना सा, आपका एक्चुअल प्लान क्या है? जरा सोचो रे, इस पिचकू के अंदर इतनी शक्ति है किसी भी घाव, चोट या विष का उपचार कर सकता है। और अगर वो पिचकू हमें मिल गया तो हमें कोई नहीं हरा सकता। और फिर अगर चाहे भी तो वीर लोक की पूरी सेना हमारे नाखून का एक अंश तक नहीं तोड़ पाएगी। बालवीर, तुम ठीक हो गए? बालवीर, अब तुम्हें जल्द से जल्द पावन जल में जाकर डुबकी लेनी होगी ताकि जहरालू के विष का रहा सहा असर भी खत्म हो जाए। हाँ माँ, बस एक पल। विवान, ये लो ये गेंद, तुम अपनी पलटन को जाकर दे दो और उनके साथ जाकर खेलो। ओके बाटर, चलिए माँ। इस पिचकू को तो मैं मान गया, कैसे इतनी आसानी से उसने पार्टनर को ठीक कर दिया। यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि हमसे पंगा मत लेना। आरोही, मेरा सजेशन है कि तुम इनसे पंगा ना लो। हाँ, क्योंकि जगत ने वैसे भी ले लिया, पर इंडोर गेम्स खेल के भी तो काम चला ही सकते ना, है ना चिंडी? हाँ, बिल्कुल सही, हम लोग अपनी क्रिकेट खेलने की वजह से अपनी लाइफ का विकेट थोड़ी ना उड़ा सकते हैं। हाँ, चलो बिल्कुल नहीं। अरे यार रुको, रुको, चल घर चल, घर चल, चल यार, घर चल यार। अरे अरे अरे, हटो हटो हटो। अरे कैसीनो में लोग आके जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, इतनी बुरी चीज बेच करके शर्म नहीं आती आपको? जिसने की शर्म उसका दिल नरम, और मेरा दिल तो बहुत कठोर है। मैं आपको बच्चों का प्लेग्राउंड छीनने नहीं दूंगी मोटू सेठ। इट्स बब्बन सेठ। लगता है प्लेग्राउंड में कोई लूटा हो रहा है। और अगर मुझे तुम लोग दोबारा इस ग्राउंड में नजर आए तो मैं तुम सबको गायब करवा दूंगा इस दुनिया से। आरोही, समझो ना, हर राउंड ऑब्जेक्ट फुटबॉल नहीं होती जैसे तुम किक मार सकती हो। वही, ये अंकल दिखते जरूर टेडी बेयर जैसे, लेकिन है ये मोगैम्बो से भी ज्यादा डेंजरस। कौन मोगैम्बो? मैं तुझे बाद में बता दूं, अभी घर चल।
ये किस बात पर आर्ग्यूमेंट हो रही है मेरे फ्रेंड्स के बीच, जाकर चेक करना पड़ेगा। थैंक गॉड बालवीर आ गए। अब इन गार्ड्स को पता चलेगा कि बच्चों पे अटैक करने की पनिशमेंट क्या होती है। ये बात है। गार्ड्स अटैक। अबे तूने क्यों मारा? अबे तूने मारा मुझे। अरे पहले तूने मारा मुझे। पहले तूने मारा मुझे। तूने मारा मुझे। तूने मारा। तूने मारा। तूने मारा। अरे गार्ड्स मुझे बाहर कौन निकालेगा? ए पीछे हटो पीछे हटो। गार्ड्स कुछ हेल्प कर अंकल। पीछे रहो पीछे रहो। मैंने तो सुना था कि बालवीर सारे नियम और कानून फॉलो करता है, लेकिन अब ये नहीं सुना होगा कि जो रूल ब्रेक करता है बालवीर उसे ब्रेक करता है। नियम मैं नहीं तुम सब लोग तोड़ रहे हो, क्योंकि मेरे पास इस ग्राउंड में कैसीनो बनाने का लीगल परमिशन है। अच्छा दिखा इनको खेलो। आपको बच्चों के प्लेग्राउंड छीनने की इजाजत किसने दी? बालवीर फाड़ दो उनके पीपल। हाँ। नहीं ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मैं अपनी शक्तियों से कानून नहीं तोड़ सकता। लीजिए। अरे यार सॉरी सर। बालवीर हम सबका दिल टूट जाएगा उसका क्या? मुझे माफ कीजिए, आप सबको इस मैदान को छोड़कर जाना होगा। चल 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 चलो गए। एक मिनट, देवू जी और विवान को गेंद मिल नहीं रही थी तो उन्होंने मुझसे मदद मांगी, ये लीजिए। अब प्लेग्राउंड नहीं है तो इस बॉल का क्या करें? फोटो फ्रेम पे तो सजा नहीं सकते। चलो थैंक्स फॉर द बॉल बालवीर। अगर बालवीर उन मोटू अंकल की साइड लेंगे तो फिर हमारी हेल्प कौन करेगा? बालवीर ने कानून की साइड ली है, बब्बन अंकल की साइड नहीं। अरे बच्चों तुम लोग ये स्नैक्स खाओ और चेयर अप हो जाओ, क्रिकेट खेलने के लिए कोई दूसरी जगह मिल ही जाएगी। आरोही लॉ की रिस्पेक्ट करो और ये स्नैक्स खाओ। आंटी देखो विवान बिना हैंड वॉश के खाना खा रहा है। विवान हाँ माँ हाँ हैंड वॉश कर रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं विवान? खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना भी तो हेल्दी रहने का लॉ है ना, लॉ की रिस्पेक्ट करो। Thank you.
रोक के बदले में तुमने जली में बॉल डाल दी। क्या, मैं हाथ धोकर बॉल को छूकर अपने हाथ फिर से गंदे क्यों करूंगा? तुमने मेरे ऊपर जली डाली ना, और अब मैं तुम्हारे ऊपर सॉस डालूंगी, क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहस। अरे लेकिन मैंने कुछ किया नहीं। अरे अरे आरोही, आरोही क्या हुआ बेटा? हड्डी देखो विमान की वजह से हो गया, मेरे ऊपर जली गिरा दी, मुझे चोट भी लग गई। ज्यादा लगी है क्या? कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुम रो मत, हाँ मैं समझाऊंगी विवान को। कहाँ है विवान? विवान मेरा समोसा कहाँ चला गया? हाँ? और मेरे नूडल्स कहाँ गए? और मेरे पकोड़े? ये सब जरूर विवान ने खाया होगा, सब उसकी गलती है। अरे मतलब क्या? विवान ये बहुत तूने खाया। अरे मेरे पकोड़े खाए? अरे मैंने नहीं खाया है। अरे तुम लोग भी क्या आरोही की साइड से बोल रहे हो? ना ही मैंने बॉल फेंका है और ना ही मैंने तुम लोगों की प्लेट से कुछ खाया है। तुम झूठ बोल रहे हैं क्या? हाँ नहीं, झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्या प्रूफ क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं बोल रहा। अरे एक सेकंड, तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं ना नए स्नैक्स लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम लोग सब रूम में जाओ, ठीक है? मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ, जाओ गो। विवान कहाँ, तू कहाँ जा रहा है? माँ इधर। तू उनके साथ नहीं जाएगा कमरे में, तू यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ। मतलब माँ मेरे ही घर में मुझे ही पनिशमेंट? ओहो जा। जब मैंने खाना खाया नहीं तो फिर सारा खाना गया कहाँ? अंदर सब बैठ के मस्त नाश्ता करेंगे और मैं यहाँ टीवी देखूंगा। वाह, ये पिचकू वीरलोक की वैद्यशाला में है ये पता चल गया, पर इसका अपहरण अब करना कैसे? उसके लिए भी मैंने एक अचूक योजना बनाई है। Then tell us, Queen Timnasa, क्या है आपका प्लान? ये क्या है भैरानी? आपने पिचकू के चक्कर में भैराजा को पिचका कर ये नन्ना मुन्ना बच्चा बना दिया। क्या ऐसा? मैं नहीं बोल रहा। क्या भैरानी आपकी, आपने अचूक योजना बोल के ये भूल चूक वाली योजना बना दी।
भैरानी, आपकी योजना सफल हो या ना हो, मेरी जिंदगी तो सफल हो गई है। पहली बार भैराजा मेरे बराबर आ गए हैं और रेत की बोलती बंद हो गई है। वाह भैरानी वाह, क्या योजना बनाई आपने। वैसे क्या योजना बनाई आपने? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.